हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो जो टॉपिक को मैं आपके सामने कवर करके बताऊंगा वो टॉपिक आप देख लो। सबसे पहले जेटेट नियमावली के बारे में हम लोग बात करेंगे, झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा कब जो है हो सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे, और जो जेटेट 2016 वाले ने कोर्ट में केस कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में भी आपको मैं अपडेट दूंगा। पहले जेटेट होगी या बहाली होगी इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों को सम अप करूंगा मैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि जेटेट की जो है एग्जाम होने वाली है जैसा मुझे लग रहा है, अंदेशा लग रहा है, तो क्या जेटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मुझे कराना चाहिए चैनल पे? तो नीचे जेटेट जरूर लिखिएगा। तो जेटेट 2016 के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो मैं आपके साथ जो है साझा कर दूंगा, उसके आंसर की को डिटेल में जो है एक्सप्लेन करके मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ से न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेटेट 2016 के सुप्रीम कोर्ट के केस अपडेट पे। तो देखिए, इन लोगों ने कोर्ट केस कर रखा है और सरकार को, सरकार मैं जब बोलूंगा आप समझ लेना झारखंड सरकार, तो झारखंड सरकार को जो है 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है, और इस 4 सप्ताह में अगर ये जवाब संतोषजनक जवाब दे पाते हैं सरकार, तो क्या होगा, इस भर्ती प्रक्रिया को स्टे नहीं लगाया जाएगा, जो कि खुद ब खुद स्टे में चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक सीटेट वाले को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया है। बोलोगे दिया तो गया था, लेकिन फिर से क्योंकि नियमावली में बदलाव हुआ और 1-5 से बीएड वाले को बाहर कर दिया गया, तो ऐसे में फिर से जो है रीओपन होने वाला है ये, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये पहले रीओपन तो हो जाए। एक्चुअली जेएसएससी ने खुद ही जो है इस पर रोक लगा रखी है, खुद से जो है सेल्फ कंट्रोल इन्होंने कर रखा है। आगे देखिए कुछ और चीज़ों को। तो जेटेट 16 वाले का जो खबर है वो आप ये समझ लो कि हाईकोर्ट में, पहले देखो सुप्रीम कोर्ट की खबर मैंने आपको बता दी, अब हाईकोर्ट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। हाईकोर्ट में क्या हो रहा है कि हाईकोर्ट ने जो है जेटेट 16 और 12 वाले के हिसाब से जो है फैसला दिया है। इनका कहना है, कोर्ट का कहना है कि जब पुराने नियमावली के अंतर्गत बहाली हो रही थी, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो बहाली? तो इस पे देखिए क्या रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब भी रिजल्ट आएगा आपको ऑब्वियस सी बात है बताया जाएगा। अब बात आती है कि झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा कब होगी। आपको पता चल चुका है कि लोकसभा चुनाव के डेट अनाउंस कर दिए गए, इवन रिजल्ट डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। ऐसे में ये अभी लंबा खींचने वाला है, आपको भी पता है। हो सकता है कि ये कम से कम जो है एग्जाम, जब तक ये रिजल्ट वगैरह अनाउंस नहीं हो जाते तब तक एग्जाम आप समझ लो झारखंड में एटलीस्ट तो नहीं होने वाले हैं। जो लोग बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी वाले, उनका भी एग्जाम जो है वहां पे भी जो है दिक्कत वाली ही बात हो रही है। देखते हैं क्या होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन इस वीडियो का जो सबसे मेन मोटिव था बनाने का मेरा, वो कि जेटेट नियमावली जो है पारित हुआ है, इसमें क्या क्या खबर आई है, सरकार ने क्या बदलाव किया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है कि कैबिनेट की जब भी बैठक बुलाई जाती है तो एक वेबसाइट है स्कूली साक्षरता विभाग, वहाँ पे अपडेट जो है आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वहाँ पे कोई भी पीडीएफ नहीं डाली गई है। बस सरकार ने फिर से एक बार बदलाव किया। आपको पता होना चाहिए कि जेटेट में 2-3 बार बदलाव कर दिए गए हैं, और 2-3 बार और बदलाव में क्या हुआ है कि पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सिर्फ और जेटेट वाले को मौका ये दे रहे थे, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि नहीं, सीटेट अगर आप उत्तीर्ण हैं तो सीटेट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। कहाँ पे? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। अब देखो जेटेट वाले की अगर मैं बात करूँ तो जेटेट नियमावली जो पारित हुआ है इसके बारे में कोई खबर नहीं है। मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ, ये देख लो, बिरसा का गांडीव 16 मार्च की न्यूज़ है। यहाँ से देखो, यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, और एक और न्यूज़ है यहाँ से आप देख पाओगे, चंपाई कैबिनेट की बैठक खत्म, टेट नियमावली को मिली मंजूरी। तो देखिए अब इसमें जो है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो फिर से एक बार जो है पात्रता नियमावली को जो है मंजूरी दे दी गई है। तो मैं चाह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, फेवर में हमेशा से रहा हूँ कि एक जेटेट की परीक्षा जब तक नहीं ली जाएगी ना, तो झारखंड में जो समस्या कोर्ट कोर्ट लोग खेलते हैं ये खेलते ही रहेंगे, और ये जो है इनफिनाइट टाइम तक चलेगा, जो ये कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। तो ऐसे में एक झारखंड टेट की परीक्षा ले ली जाए, उसके बाद बहाली को शुरू किया जाए। अब नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ सी टेट वाले भी और जेटेट पुराने वाले तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ही, पहले से ही बहुत ही रहनुमा है मेरे वो, तो सीटेट वाले भी मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि भाई तुम लोगों को क्या फायदा हो जाएगा जेटेट को शामिल करने से। मैं कहता हूँ सभी की भलाई हो, उसमें भी आपका जो है आपका ही भलाई होगा।
जो बच्चे झारखंड टेट के इंतजार में हैं उनका टेट नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं हो पाया, कुछ बच्चे का भी जो है बीएड वगैरह हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आपके बच्चे का भी बीएड होगा उसे भी शामिल कर लेंगे। देखो तार्किक बातें बोलो, लॉजिकल बातें बोलो, इन लॉजिकल बात का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो देखो अगर एक जेटेट की परीक्षा हो जाती है तो सभी का कल्याण हो जाएगा। और मैं चाहता हूं, देखो यहां पे ये जेटेट में भाषा, लोकल भाषा, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, संथाली, मुंडारी हो, जो ये भाषाएं हैं उड़िया, ये इसी को आधार बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट केस किया गया है जेटेट 16 वाले के द्वारा। तो ऐसे में अगर एक जेटेट की परीक्षा लेकर फिर से नियमावली बनाकर फिर से बहाली ले ली जाएगी ना, किसका नुकसान होगा बताओ? किसी का भी नुकसान नहीं होगा। हाँ कंपटीशन थोड़ा सा जो है आपका लेवल हाई हो जाएगा, कटअप थोड़ी हाई जाएगी, थोड़ी पढ़ाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप पढ़ाई करोगे, देखो एक बात हमेशा याद रख लेना, खैरात की नौकरी लेने वाले जितने भी बच्चे हैं मैं आपको फिर से आगाह कर देता हूँ, खैरात की नौकरी नहीं मिलती है। एक चपरासी का फॉर्म है, आप लोग, मैं ना आपसे देखो रियल टॉक करता हूँ, रियल टॉक चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, एक चपरासी का फॉर्म देवघर में आया था तो पता चला कि यहाँ पे वो 6-7 दिनों तक इंटरव्यू चल रहा है। तो मैंने कहा भाई ये बताओ, एक चपरासी के कोर्ट में जो भर्ती आती है ना उसके लिए लोग 10-15 लाख रुपए देने के लिए तैयारी है जो है तैयार हैं। तो कंपटीशन कितना जो है रेट रेस हो चुका है। रेट रेस का मतलब होता है जब ऐसी प्रतियोगिता हो जिसमें किसी का जो जीतना है बड़ा मुश्किल हो तो उसे रेट रेस बोलते हैं। तो ये रेट रेस वाली जो है चीज़ें हो रही है, चपरासी के एक पोस्ट के लिए लोग मारामारी के लिए उतारू हैं। तो ऐसे में फ्री की नौकरी कहाँ से मिल जाएगी आपको झारखंड में? पॉसिबल ही नहीं है। तो चैलेंज हुआ, देखो हमेशा बोलते हैं ना कि सत्य जो है थोड़ा देर झुक सकता है, गिरेगा नहीं सत्य। सत्य जो है फिर देखो हाई कोर्ट ने जो है यहाँ पे हम लोगों के फेवर में जो है चीज़ें करी है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों के फेवर में डिसीजन दे दे। अभी तो इन्होंने कोई डिसीजन दिया ही नहीं है। तो ऐसे में आपके पास एक ही चीज़ है, एक ही अस्त्र है जिसका नाम है पढ़ाई। पढ़ाई कीजिए, सिलेबस अपने स्टडी टेबल के ठीक सामने चिपका लीजिए, आप लोग ठीक सामने चिपका लीजिए और धीरे धीरे, वो बोलते हैं ना अ बाइट एट अ टाइम, तभी आप एक बड़े हाथी को खा पाओगे। अगर कोई बड़ा टास्क करना है, कोई मैमथ वर्क आपको दे दिया गया है तो आपको लिटिल छोटे छोटे स्टेप्स से जो है चीज़ों को अचीव करना आना चाहिए। आप जो है देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, पेपर वन भी पढ़ना है। पेपर वन तो चलो आसान है कि टेंथ का सिलेबस आप करोगे काम हो जाएगा। पेपर टू अगर आप देखोगे, इसमें पेपर टू ये क्या है, ये मेरिट बनने वाला पेपर है, तो मेरिट वाले के लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी आपको। पेपर थ्री की बात करूँ तो यहाँ जनरल पेपर है, ये भी सभी लोगों के लिए कॉमन है। इसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ, एवरीथिंग पढ़ना है। इसके अलावा पेपर फोर जो कि आपका कंसर्निंग सब्जेक्ट है और इसका सिलेबस माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है झारखंड सरकार ने, 6-8 के लिए आपको 11-12 तक की पढ़ाई करनी होगी। तो ऐसे में आप अगर थोड़े बहुत पढ़ाई को ऊपर ऊपर से टच करके निकल जाओगे, बच नहीं पाओगे, अच्छे से पढ़ाई करनी ही होगी, देयर इज अ नो अल्टरनेटिव। तो प्लीज पढ़ाई करिए और इन चोचलेबाजी से बचिए कि खैरात में नौकरी कोई आपको दे रहा है। कोई नौकरी आपको खैरात में नहीं दे रहा है, खैरात में नौकरी देने वाले खैरात में ही निपट गए, चले गए, जहां उन्हें जाना था सही जगह पे वो चले गए। अब नौकरी खैरात में नहीं बटेगी, बहुत कम चांसेस है। तो देखते हैं जो भी चीज़ें आएगी, आई विल डेफिनेटली शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू और रिजल्ट एज वेल एंड फैक्ट एज वेल। तो देखते हैं चीज़ों को, जैसे ही जैसे चीज़ें आगे बढ़ते जाएगी आई विल कीप अपडेटिंग यू। प्लीज़ पहली बार चैनल पे आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट कर लें। टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।